फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा हमराही ऐप के बारे में, जो कि मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मेरिनो का ये ऐप है, इस मेरिनो कंपनी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया हमराही 2.0, जो कि मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस टाइप से है वो नोटिफिकेशन अलाउ कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या यूज़र नेम से कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम करें तो मोबाइल नंबर होगा आप सभी के पास, तो उसमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे। तो मैं फटाफट डिटेल भर देता हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद जहाँ पे आ रहा है नॉट ए मेंबर, सॉरी दिस नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद मरीनो हमराही, काइंडली चेक द नंबर एंड ट्राई अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन। आई एम ए कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर। ये आपसे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना है तो आप क्या है, कारपेंटर है तो कारपेंटर सेलेक्ट करना, कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना। कैसे करना है, क्लिक ऑन साइन अप ऑप्शन, यानी जहाँ पे साइन अप का भी ऑप्शन मिला है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आई एम ए डीलर तो कॉन्टैक्ट मरीनो सेल ऑफिसर। अगर आप डीलर हैं तो आपको मरीनो सेल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना होगा। आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटर के लिए सिंपल है, कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए साइन अप का ऑप्शन दिया है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस होगा, आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट लिख के आ रहा है। जैसे इसमें एक नया पेज खोल के अब सामने आएगा, देख सकते हैं रिकमेंडेशन डिटेल है जो हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा। किस टाइप से डिटेल है वो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे देखिए पहला नाम है, मिडल नेम और लास्ट नेम, मिडल नेम आप छोड़ सकते हैं, जिस पे स्टार लगा वही डाटा फिलअप करना है। उसके बाद नीचे टाइप है, टाइप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कारपेंटर लिख लेते हैं या हेल्पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, हेल्पर ही है तो हेल्पर लिख लेते हैं, तीनों ऑप्शन मिलते हैं। मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना है, स्टेट लिखना है, सिटी लिखना है, पिन कोड लिखना है, के आर ई नंबर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आगे पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ये सब आप छोड़ भी सकते हैं, मैटर स्टेटस फिलअप कर सकते हैं, प्रेफर लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको प्रेफर लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो मैटर स्टेटस, चलो हम मैरिड है तो मैरिड लिख सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल, में मैरिड हो तो मैरिड लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन में देख सकते हैं एड्रेस आपको फिलअप करना है, सिटी पिन कोड एड्रेस इस टाइप से सेम एज ए परमानेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्क डिटेल है, वर्क डिटेल में भी आपको दोस्तों क्या क्या है, शीट पर मंथ आप एक महीने में कितना लगा लेते हैं, मैंडेटरी है, आप 1 से 10 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। हेल्पर है तो 1 से 10 रख लीजिए, तो 0 भी रखना है तो 0 भी रख सकते हैं, कोई आपकी चॉइस है, पर एक सीट तो मैक्सिमम कोई कोई लगा ही लेता है। फादर नेम इतना आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, आईडी प्रूफ टाइप आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या है, अदर है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आप अदर भी रखना चाहें तो अदर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसमें से कोई आपको एक आईडी प्रूफ इसमें करना है, मेंबर का पिक करना है, विजिटिंग कार्ड अगर है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से है तो किस टाइप से जी फॉर्म फिलअप करना है आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी।